दोस्तों आज से 2-3 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो कि प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर है। तो अचानक से एक मैसेज आया, मैं आपको वो मैसेज दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, +92 करके एक मैसेज आया हुआ और इसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी है और इसमें जो नंबर मेंशन है मैंने उस नंबर पे कॉल करके बातें भी की हैं। तो उन्होंने अपना नाम राणा प्रताप सिंह बताया है। क्या आपको पता है कि वो राणा प्रताप सिंह कौन है? शायद पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस नाम से बेखबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ फ्रॉडबाजी हो चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप इसका अगला टारगेट हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप उसके टारगेट से बच सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लोग भर भर के कमेंट कर रहे थे कि मेरे 60,000 अकाउंट से चले गए। लोग गाली दे रहे थे राणा प्रताप सिंह करके और उल्टे सीधे गाली दे रहे थे, किसी का 20,000, किसी का 35,000, किसी का 40,000। लेकिन ज़्यादा दुख तब होता है जब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो अपना अकाउंट में पैसा रखते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए या फिर अपने माँ की इलाज के लिए, तो ऐसे लोगों का अकाउंट से पैसा साफ होता है तो बहुत दुख होता है। तो +92 करके एक मैसेज आया जिसमें रिकॉर्डिंग भी है। पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उसके बाद मैंने उससे जो बातें की हैं वो सुनाऊंगा। और एक बात बताऊं आपको, मैंने उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया ताकि वो अपना चेहरा दिखा दे, और उसने अपना चेहरा दिखा भी दिया। मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो चलिए पहले वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, उसके बाद मैंने जो बातें की हैं वो सुनेंगे। आइए दोस्तों, वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। ज़रूरी बात यह है कि जितने भी स्कैमर्स हैं जो स्कैम करते हैं, वो लोग छिप के स्कैम करते हैं। चोर हमेशा छिप के ही चोरी करता है, वो अपना फेस कभी रिवील नहीं करता है। लेकिन मैंने इस तरह से बातें की हैं कि वो अपना चेहरा दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कॉलिंग में उसका चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रहे, आपके अकाउंट से फ्रॉडबाजी ना हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज लगा है 25 लाख का। व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से 25 लाख रुपये का लॉटरी लगी है, कमाल है। सर ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइस विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि लॉटरी कैसे लगी है। सर ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, जुनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप। क्या चीज़ में? एक बार फिर से सुन। नेपाल, दुबई, जुनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे। इंडो रीजन बोल रहे, पता नहीं क्या बोल रहे। नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका ये नंबर है दोस्तों, ये देखिए, आई होप कि आपको दिख रही हो, 9079425774। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या बोल रही है। आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पर लगी तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वीचिंग फॉर व्हाट्सएप। बैंक वाले मेरा वेट कर रहे हैं, SBI, और ये लॉटरी नंबर है 0033। दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग आपने सुना ये उधर से आया था, लेकिन अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो मैंने उससे बातें की थी। चलिए उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार, तो लॉटरी नंबर क्या है आपका? मैं राणा प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ। अच्छा, राणा प्रताप सिंह बात कर रहे हैं, एक सेकंड में। राणा प्रताप सिंह नाम बताया है, देख लीजिए इसका थोबड़ा। हाँ
तो मैं देख के बताता हूँ, ठीक है? सेंड कर दो, मुझे सेंड कर दो प्यारे भैया। हाँ सेंड कर दो, ठीक है प्यारे भैया। हाँ डम कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, फिर मैंने कॉल किया दोबारा। नंबर सेंड करता हूँ, कितना है? 0033। हेलो 0033 ये लॉटरी नंबर है। नमस्कार। हाँ नमस्कार, ये मैंने आपको लॉटरी नंबर भेजा है 0033। हाँ बिल्कुल, मैंने चेक कर लिया है। अच्छा तो फिर कैसे पैसे मिलेगा मुझे? हाँ ये आपको ऐसे पैसा मिलेगा, 1000 का बैक का फोटो कॉपी, आपका नेम लिख के टैप कर दो, एक आपका फोटो उतार के पिक्चर सेंड कर दो मुझे। क्या चीज ठीक से बता दो, समझ में नहीं आया आप। हेलो 1000 कार्ड है। क्या आधार कार्ड है? आधार कार्ड बोल रहे हैं, 1000 कार्ड बोल रहे हैं? वो एकदम क्लियरली बोल रहा था 1000 कार्ड, मैं कंफ्यूज हुआ कि ये कौन सा कार्ड है भाई, 1000 कार्ड रियली? तो फिर मैंने बोला कि आप आधार कार्ड बोल रहे हो, तो बोला कि हाँ हाँ मैं आधार कार्ड बोल रहा हूँ। उसके बाद आधार कार्ड, अच्छा आधार कार्ड और बैंक का कॉपी, बैंक का कॉपी, मतलब इसके कहने का सेंस था कि पासबुक। आधार कार्ड, अच्छा आधार कार्ड और बैंक का, अच्छा ठीक है, और एक आपका फोटो उतार के पिक्चर सेंड कर दो, अपना फोटो आप बैंक का, अच्छा ठीक है, और एक आपका फोटो उतार के पिक्चर सेंड कर दो, अपना फोटो आप। हाँ तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ये, यहाँ पे मैं सोचने लगा था, मैं सोचा कि कोई और नाम बता देता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, फिर मैं सोचा कि मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ तो फिर झूठ क्यों बोलने जाऊँ, और वैसे भी ये फ्रॉड है और वीडियो तो मेरे चैनल पे आने वाली है तो झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने अपना रियल नाम बताया। आवाज़ आ रही है? हाँ क्या? महताब। महताब? हाँ महताब जी, महताब। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बम्बई से। बम्बई में कौन से जगह से? मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ लो किधर है। फिर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। हेलो हाँ बोलिए। अभी हाँ बोलिए, कौन बात कर रहे हैं अभी? हाँ बोलिए। मैं डायरेक्टली नंबर से नहीं बात कर सकता आपसे, व्हाट्सएप कॉल के अलावा? ये व्हाट्सएप पर कॉल होगी भैया, ऐसे नहीं होगा, ये हमारा कंप्यूटर नंबर है, ऐसे नहीं होगा। कंप्यूटर नंबर क्या होता है? आईपी एड्रेस तो पता है कि कंप्यूटर की आइडेंटिटी होती है, जैसे वोटर आईडी कार्ड होता है इंसान का, आधार कार्ड होता है, वैसे ही कंप्यूटर की आइडेंटिटी होती है आईपी एड्रेस, लेकिन ये कौन से नंबर की बात कर रहा है भाई? प्यारे भैया जो आपका दिल मनता है तो सेंड कर दो, ये आपका दिल नहीं मुतमैन है तो कोई बात नहीं, सेंड करना आपका मर्जी हो। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे 25 लाख कैसे मिलेंगे, ये चीज आप बताएं ना, कैसे मिलेंगे मुझे? ऐसे मिल ये बात मेरे से पूछो, ये जो बैलेंस कराते हो ना, चार्ज कराते हो, बैलेंस कराते हो अपने मोबाइल पर, सिम पर, बिल्कुल उसी पर लगा है आपको 25 लाख। ये ऐसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता होता आपका पैसा 25 लाख बन गया है। तो जमा कैसे, क्या चीज में होता है? जैसे ये पैसा आपका सिलेक्ट हुआ हो, ये बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके 25 लाख रुपए हो गया, भाई उल्लू किसे बना रहे हो? तो ये चेक टाइम ओपन हुआ तो सरकार ने बोला कि इसका आदमी को पैसा रिसीव करा दो। नहीं जिसे मैं रिचार्ज करता हूँ आप लोग, ठीक है? नहीं
जैसे रिचार्ज कर, मैं रिचार्ज इतनी बात कर, अभी देखो मैं रिचार्ज कर रहा था उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ तो बिल्कुल, मैं ये आगे से नहीं बताऊंगा क्यों, जो ऑफिसर सारे रिकॉर्ड कॉल सुन रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सुन रहे हैं ऑफिसर सारे रिकॉर्ड कॉल सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कॉल सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कॉल नहीं रिकॉर्ड कॉल। हाँ तो बिल्कुल, लेना चाहती हो तो मैंने जो कुछ बोला है वो सेंड कर दो, नहीं लेना चाहते तो मुझे बता सकते हो, सारे ऑफिसर सुन रहे हैं, आपका कैंसिल करा देता हूँ। मैं ना कुछ आपसे लिया ना कुछ आपको दिया, नहीं तो हमको पैसा तो लेना है ना। ठीक है या गलत है? नहीं एक्चुअली मुझे पैसा तो लेना है ना। ये गलत सही की बात कर रहा है, एक फ्रॉड गलत सही की बात कर रहा है, मतलब खुद एक चोर है। कितने तेजस्वी लोग हैं। नहीं तो ले ले तो सेंड कर दो मुझे जल्दी से। तो मैं ये बोल रहा था कि टाइम थोड़ा रह रहा है। हाँ टाइम थोड़ा रह रहा है ना। टाइम कितने टाइम तक इसका ये वैलिडिटी है आपका, क्या टाइम पीरियड है, कब तक मुझे मिल सकता है? 25 लाख मुझे चाहिए, ये बस बोल रहा हूँ। चाहिए तो मुझे जल्दी से सेंड कर दो, मैं आपको सारा काम अभी क्लियर करा देता हूँ। नहीं लेना, ये बोल रहा है कि टाइम थोड़ा ही रह गया है, जल्दी सेंड करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था जो कि एक डॉक्टर है, तो उसके 2 दिन बाद मैंने उससे बातें की हैं, उसके बाद भी बोल रहा है कि टाइम बहुत कम है। अगर मैं पहले ही दिन कॉल करता या फिर उसी टाइम कॉल करता ना, फिर भी वो बोलता कि टाइम बहुत कम है। इन लोग के पास टाइम बहुत कम ही रहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा रहेगा तो फ्रॉडबाजी कैसे होगी, कोई ना कोई बंदा उसे अवेयर कर देगा। इसलिए ये लोग ऐसा बोलते हैं कि टाइम बहुत कम है, आप जल्दी जल्दी भेजें, नहीं तो 25 लाख आपको नहीं मिलेंगे। लोग इसके लालच में आ जाते हैं और अपना जो आधार कार्ड वगैरह है, जो भी डेटा है, भेज देते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है ये। चाहते तो आपका धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। इस धन्यवाद धन्यवाद नहीं धन्यवाद एक बार फिर जानकारी ली, कब तक मुझे मिल सकता है? 25 लाख मुझे चाहिए, ये बस चाहिए तो मुझे जल्दी से सेंड कर दो, मैं आपको सारा काम अभी क्लियर करा देता हूँ। नहीं लेना, अभी एकदम क्लियर करा देगा। इसके कहने का सेंस ये है कि भाई तुम्हारा 25 लाख रुपए अभी के अभी आ जाएंगे, लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट होता है, अकाउंट में पैसे आने के बजाय पूरा चला जाता है। चाहते तो आपका धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, इसके बाद में जानकारी ली। उसके बाद फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब ये व्हाट्सएप पे जल्दी ज्यादा बात नहीं करना चाहता है, जो है बस इसको डेटा चाहिए ताकि वो फ्रॉड कर सके। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, जैसे ATM फ्रॉड से कैसे बचे, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। मतलब ये लोग जो है ना, वो हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं कि भाई कैसे फ्रॉड करें। आपको पता है कि जो भी लोग फ्रॉड करते हैं उन लोगों की पूरी एक टीम होती है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। और कभी भी WhatsApp की तरफ से कोई भी मैसेज आए तो आप अवॉइड करें, क्योंकि वो मैसेज फ्रॉड लोगों का होता है, किसी के भी लालच में ना आए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फ्रॉडबाजी जो है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।